आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट के बारे में लिखा गया है। आर्टिस्ट और उनके आर्ट, वो क्या क्या आर्ट बना रखे हैं। आर्टिस्ट तो आर्ट ही करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है, रीड अबाउट द वर्क ऑफ सम ग्रेट पेंटर्स एंड स्टोरीज ऑफ देयर द पेंटिंग। यहाँ पे ग्रेट पेंटर के बारे में पढ़ेंगे और उनका जो पेंटिंग है, उनके पेंटिंग की कुछ स्टोरी है, उसके ऊपर आज हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ शालिनी रीड। दिस केव पेंटिंग ऑफ ए बिसन बाय एन अननोन आर्टिस्ट वॉज फाउंड इन लेस्कॉक्स फ्रांस एंड इज अबाउट 17,000 ईयर ओल्ड और मोर। द पेंटर यूज द बम्स ऑन द वॉल ऑफ द केव टू गिव द बिसन्स देयर शेप्स। ये 17,000 फ्रांस में है, ये 17,000 ईयर ओल्ड है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। पेंटर ने बम्स यूज किए हैं वॉल पे बिसन्स को उनके शेप देने के लिए। तो ये देख पा रहे होंगे कि आप, ठीक है, क्या पेंटिंग है, बिसन इन द लास्ट बॉक्स फ्रांस में है, ये एक गुफा में बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वो कैन रीड नेक्स्ट पैराग्राफ, वन बाय वन पढ़ते जाओ स्वाति। अनुज, यस मैम। हाँ स्वाति पढ़ रहे हैं। A fresco of the baker Terentius Neo and his wife made about 2000 years ago by an unknown artist from Pompeii in Italy is an example of the art of ancient Rome. The faces in the painting are made to look realistic as if they carefully imitate real life. The wrinkles on the man's forehead are clearly visible. हाँ ठीक है, ये पैराग्राफ क्या समझ में आ रहा है? जो बेकर टेरेंटियस नियो के फ्रेस्को हैं और जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने 2000 साल पहले एक अननोन आर्टिस्ट थे जो कि पॉम्पी जो जगह है वो इटली में, वहां से थे। इसका एग्जाम्पल उनकी आर्ट ऑफ एशियंट रोम में जो आर्ट है। द फेसेस इन द पेंटिंग आर मेड टू लुक रियलिस्टिक, जो फेसेस पेंटिंग के बने हैं वो रियल लगते हैं, एज इफ दे केयरफुली इमिटेट रियल लाइफ, जो कि एक रियल लाइफ से प्रेरित है। द रिंकल्स ऑन द मैन्स फोरहेड आर क्लियरली विजिबल, जो मैन के जो फॉरहेड पर रिंकल्स हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ अनुज। यस मैम, पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। द अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट मेड बाय जैन वेन इक इन 1434 इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेशियस रेनेसेंस आर्ट। द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ दिस पेंटिंग इज द लाइफ लाइक डिस डिस्क्रिप्शन ऑफ the soft texture of the fabric and the soft glow of the light. Okay, क्या मीनिंग है? तो मैम मीनिंग क्या है बताओ, शालिनी इसका मीनिंग क्या है बताओ।
मैम ये थर्ड जो पैराग्राफ का मैम ये जो अर्नोल्फली ठीक है अनुजा बताओगे यस मैम मैम ये जो अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट मेड बाय जैम वैन मैम ये पेंटिंग थी ये जैम वैन ने बनाई थी मैम 1434 में इज रिप्रेजेंट ऑफ द इसको रिप्रेजेंट किया गया था रेस्ट रेनेसेंस आर्ट द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ दिस पेंटिंग मैम इसका बहुत ही मोस्ट ज्यादा फीचर थे इस पेंटिंग में इज द लाइफ लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्ट टेक्सचर मैम ये सॉफ्ट टेक्सचर पे बनाई गई थी ऑफ द फैब्रिक एंड सॉफ्ट ग्लो ऑफ द लाइट मैम ये लाइट में ग्लो करती थी सॉफ्ट नेक्स्ट पैराग्राफ शालिनी ओके मैम द केव्स एट भीमबेटका मध्य प्रदेश हैव बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिस केव्स हैव अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स व्हिच डिपाइस द थीम्स टेकन फ्रॉम डिपाइस थीम्स टेकन फ्रॉम द एवरीडे लाइव्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग हंटिंग डांसिंग हॉर्स एंड एलिफेंट राइडिंग Animal fighting and household scenes. The painting have been done over a period of time from the Paleolithic to the medieval age. Paleolithic to the medieval age. ये मैम cave painting भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया दिस केव्स हैव नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग इस केव में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स है जो कि थीम्स लेते हैं वहाँ के एवरीडे लाइफ्स रोज के उनके जो लाइफ्स होते थे उन उस पे थीम्स करके बनाए गए हैं पेंटिंग्स इंक्लूडिंग हंटिंग डांसिंग हंटिंग शिकार करना डांसिंग हॉर्स एंड एलिफेंट राइडिंग एनिमल फाइटिंग और बहुत सारे हाउस होल्ड सीन्स घरेलू सीन्स लिए गए हैं द पेंटिंग हैव बीन डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पेंटिंग्स थोड़े थोड़े समय के बाद की गई हैं फ्रॉम द पैथोलिक से मेडिवल एज में के बीच में की गई हैं सारी पेंटिंग्स मेडिवल एज के बीच में ये पेंटिंग नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाह रहे हैं बताओ नेक्स्ट पैराग्राफ वो कैन रीड जो नहीं पढ़े हुए उनमें से कोई पढ़ना चाह रहे थे बताओ मैम मैं आए यस पढ़ो मैम पढ़े हम हाँ पढ़ो January made by Lemberg Brothers depicts a winter feast hosted by a duck who is shown sitting at the table wearing a fur hat. Real gold was used to decorate this painting and the bright blue came from crushed lapis lazuli, a semi-precious stone imported all the way from Afghanistan. During this era, artist painted for rich client some of whom paid for luxury materials to be used in the paintings to show off their wealth next paragraph मैम मैं आई यस बाय 1413 द पेंटिंग वेयर मेड टू गिव एन इल्यूजन ऑफ स्पेस एंड डेप्थ सो दैट द सीन डिस्पाइटेड डिड नॉट लुक फ्लैट इन द पेंटिंग हंट इन द फॉरेस्ट द पेंटर गिव्स एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ बाय अरेंजिंग द सीन सच एज दैट इज लीड द व्यूअर आईज टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट इन द सेंटर The eye line does make marks out the horizon where the sky seems to meet the ground. This is called perspective. क्या मीनिंग है इसका क्या समझ में आ रहा है
मैम जो पेंटिंग 1413 में जो पेंटिंग बनाई गई थी वो इल्यूजन देने के लिए बनाई गई थी स्पेस और डेप्थ का। जो सीन था डिस्पाइटेड था वो फ्लैट नहीं लगता था। पेंटिंग हंट इन द फॉरेस्ट, और मैम जंगल में शिकार, पेंटिंग जंगल में शिकार करने वाले आदमी का बनाया गया था, तो एनिमल का। The painter gives an illusion of death by arranging the scene such that. और मैम जो पेंटर था मैम वो इल्यूजन ऐसे डेप्थ को अरेंज किया था कि ये इल्यूजन लगे। It leads the viewer's eyes towards the vanishing point in the center. और जो देखने वाले थे उनकी जो आई थी वो सेंटर पे थी। The eye line marks out the horizon. और मैम जो आई लाइन थी वो हॉरिजन को मार्क कर रही थी। वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द ग्राउंड, और इसका ऐसा लग रहा था कि वो ग्राउंड से मैट कर रहा है, और इसी को पर्सपेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो पेज में और चार पैराग्राफ है ऐसे ही उसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, और भी बहुत सारे पेंटर की पेंटिंग के बारे में बताया गया है, उसको आप अच्छे से रीड कर लेना। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको मैं बना के आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी, आप पढ़ लेना।